अगर पता चल गया तो मंदिर में रख रख करके पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, धूप बत्ती जलाएंगे, भगवान की सेवा ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। मंदिर में, घर में मंदिर बनाया छोटा सा, वहां पर भगवान को रख दिया। अच्छा ये बताओ, आप लोग भगवान को खिलाते हो कि नहीं? कौन खिलाता है? आप लोग खिलाते हो क्या? चावल खिलाते हो? नहीं खिलाते, भूखे छोड़ देते हो। जोर से बोलो, अगर आप अपने घर में भगवान को रखते हैं तो उनको भी भोजन कराओ। अगर आपको घर में रखा जाए और कुछ भी खाने के लिए ना मिले तो कैसा लगता है? आप उस घर में रहना पसंद करोगे? नहीं करोगे। भगवान को भी आप अपने घर में रखते हैं तो शुद्ध भोजन बनाओ, सात्विक भोजन बनाओ। दाल चावल सब्जी रोटी जो भी आप खाते हो, तीन टाइम खाते हो, तीनों टाइम भगवान को भोग लगाइए। तुलसी पत्र डाल करके भगवान के सामने लेकर के जाएं, प्रार्थना करिए, प्रभु आप इस भोजन को ग्रहण करें। भगवान को भोग लगाओ, उसके बाद उस प्रसाद को ग्रहण करो। अपने भगवान को घर में रखा है तो भोग लगाना जरूरी है, पूजा पाठ करना जरूरी है। जिस प्रकार से आपको सुविधा चाहिए, आप अपने घर के भगवान को भी दो। आपको ठंड लगती है, भगवान को भी लगती है। आपको गर्मी लगती है तो उनको भी लगती है। अगर ये भाव आपके भीतर आने लग जाए तो आपका पूजा सफल हो जाएगा। प्यार से बोलो,